लखनऊ की सड़कों पर संजय निषाद के पोस्टर लगे हुए हैं, जिनमें उन्हें 2027 के खेवन हार के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इन पोस्टरों को कार्यकर्ताओं ने लगाया है जो संजय निषाद के समर्थन में अपनी आवाज उठाना चाहते। उल्लेखनीय है कि यूपी उपचुनाव में संजय निषाद की पार्टी के एक भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं है। दिवंगत एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे और मुंबई यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जिशान सिद्दीकी भी पिता की राह पर चलते हुए अजीत पवार गुट की एनसीपी में शामिल हो गए। एनसीपी में शामिल होते ही अजीत पवार ने उन्हें बांद्रा ईस्ट सीट से पार्टी का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष अजीत पवार समेत कई सीनियर नेता भी मौजूद रहे। चक्रवाती तूफान नाना का लैंड फॉल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तेज तूफानी हवाओं के साथ बारिश हो रही है। उड़ीसा में जहां तूफान नाना के चलते कई इलाकों में सड़कों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, कई रिहायशी इलाकों में घरों को भी नुकसान पहुंचा है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर भी एनआईए ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जांच एजेंसी ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ 2022 एनआईए की ओर से दर्ज मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। बता दें कि बाबू सिद्दीकी केस में भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया है। भारत और चीन के बीच समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख में हालात बेहतर हुए हैं। दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने लगी हैं। देपसांग और डेमचौक में स्थानीय कमांडर स्तर की मीटिंग 22 अक्टूबर यानी मंगलवार से शुरू हुई थी। इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच सहमति बनी और अब सेनाएं पीछे हटने लगी हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पिछले हफ्ते पदभार संभालने के बाद दिल्ली के अपने पहले दौरे के दौरान गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित एक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री द्वारा सौंपे जाने की उम्मीद है। इसमें केंद्र से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में एलओसी के पास सेना के वाहन पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें दो वाहन शहीद हो गए, घायल हुए। हमले में सामान ले जाने में मदद करने वाले दो पोर्टर की मौत हुई है। पोर्टर पहाड़ी इलाके और फ्रंट पोस्ट पर सेना का सामान पहुंचाने में मदद करते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक मस्जिद गिराने की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में 7 पुलिसकर्मियों समेत 27 लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि बाड़ाहाट इलाके में बनी मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है। जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस होंगे। वे 11 नवंबर को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। यह जानकारी गुरुवार को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार से जस्टिस खन्ना के नाम की सिफारिश की थी। सीजीआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे। हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन आज 25 अक्टूबर को सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 79,730 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 100 अंक की गिरावट है, ये 24,250 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 शेयरों में तेजी और 9 शेयरों में गिरावट है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 30 शेयरों में तेजी और 20 शेयरों में गिरावट है।